सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की ये बात इस देश के लोकतंत्र का चेहरा है और 2024 के चुनाव ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। लेकिन चुनाव खत्म होने से जिम्मेदारियां नहीं खत्म होती हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। मोदी के पीएम कार्यकाल में अब तक कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि कांग्रेस 2014 और 2019 में लोकसभा की कुल सीटों का 10% हासिल करने में फेल हो गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने वो जीत का आंकड़ा पार कर लिया है। यूपी ने 2014 और 2019 की तरह अगर बीजेपी के साथ दिया होता तो ना तो आज गठबंधन की सरकार होती और ना ही विपक्ष हार में अपनी जीत ढूंढता। यूपी में दो नेताओं की इस जोड़ी ने कमाल कर दिया। 80 में से 37 सीटें जीतकर बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी पाने से रोक दिया। दो नेता अब संसद पहुंच चुके हैं। विपक्ष की आवाज और मजबूत हुई है और एनडीए की सरकार को ये पता है कि राहुल वही हैं और अखिलेश भी वही हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं है। 10 साल में पहली बार इस बार मजबूर सरकार है और मजबूत विपक्ष है। इसका बहुत स्पष्ट मतलब है कि कहीं ना कहीं मुद्दे हावी होंगे। जिस तरीके से उन्होंने व्यक्तित्व को हावी किया था, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रही की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सदन में भी और सदन के बाहर भी, अब उसका प्रतिकार होगा। लोग मुद्दों पर बात करेंगे। जिस तरह से पिछली लोकसभा में 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, संसद के बाहर कर दिया गया था, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी, ऐसी वारदातें अब नहीं होंगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री भी समझ जाएंगे कि देश की जनता ने इस चुनाव में भाजपा को 272 का बहुमत नहीं दिया है और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। कांग्रेस की नजर राहुल गांधी पर है, लेकिन राहुल का ये पद स्वीकार करेंगे क्योंकि राहुल ने अपने राजनीतिक जीवन में अब तक कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़कर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो संसद के अंदर उन्हें ऐसी हरकतों से बचना होगा। राहुल विपक्ष के सबसे पॉपुलर फेस है, तो वहीं ये भी फैक्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन वही बनेगा जो बीजेपी की अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की स्ट्रेटेजी का सामना कर सके। अब संविधान को समझने वाले लोगों से जानिए कि आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट होती क्या है और इनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। पद संभालते ही कौन कौन सी जिम्मेदारियां इनके साथ जुड़ जाती हैं, आइए जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट रैंक का मंत्री होता है, उसे वे सभी सुविधाएं, वेतन भत्ता आदि मिलता है जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है। उसको संसद में महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का अधिकार प्राप्त है और स्पीकर को उसके इस अधिकार को मान्यता देनी होगी। इसके साथ साथ वह बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर, संवैधानिक पदों पर जो चयन समितियाँ हैं उसमें भी अनिवार्य रूप से सदस्य हैं, जैसे कि मानवाधिकार के चेयरमैन, सदस्यों का RTI एक्ट के अंतर्गत CVC और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों का चुनाव जब होता है वो चयन समिति में वह अनिवार्य रूप से सदस्य होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो चयन हो इन संवैधानिक पदों पर वो पारदर्शी ढंग से हो।